5,000 करोड़ रुपया, छोटा मोटा काम नहीं करते। बघेल ने गोबर घोटाला भी नहीं छोड़ा। आपने देखा है कि कोई आदमी गोबर में भी घोटाला करता है? उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जेल में डालेंगे जिन लोगों ने इस काम को किया। महादेव ऐप घोटाले के आरोपों में घिरी भूपेश बघेल की सरकार पर बीजेपी ने घोटालों पर ही जोरदार निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ की चुनावी सभा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंच से कांग्रेस पर कई तरह के घोटाले करने के आरोप लगाए हैं। जेपी नड्डा ने तो इतना तक कह डाला कि कांग्रेस ने तो गोबर तक को नहीं छोड़ा है, कांग्रेस ने गोबर घोटाला भी किया है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने कांग्रेस और भूपेश बघेल सरकार पर नौकरियों में भी घोटाला करने के आरोप लगाए। साथ ही दावा किया कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार आते ही सभी घोटालेबाजों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाएगा। आप बताइए, आपके राज में शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए, आपका चावल घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का? 5,000 करोड़ रुपया। छोटा मोटा काम नहीं करते, बड़ा काम करते। 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला। आप बताइए कि कोयला घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? 540 करोड़ रुपए का घोटाला। गोठान घोटाला हुआ है कि नहीं? गोठान घोटाला मालूम है कितने का? 1300 करोड़ रुपए का गोठान घोटाला। और तो और छोड़िए, इस बघेल ने गोबर घोटाला भी नहीं छोड़ा। आपने देखा है कि कोई आदमी गोबर में भी घोटाला करता है? एक गोबर घोटाला। उसी तरीके से डीएमएफ स्कैम 9,234 करोड़ रुपए का, टीचर के ट्रांसफर का घोटाला। और मेरे नौजवान साथियों, तुम बताओ, पब्लिक सर्विस कमीशन ने नेताओं के और अफसरों के बेटे लगाए कि नहीं लगाए नौकरी में? लगाए कि नहीं लगाए? कोई तुम्हारे गांव से लगा? कोई तुम्हारे इलाके से लगा? ये हमारी सरकार आएगी तो हम व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से सिलेक्शन करेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जेल में डालेंगे जिन लोगों ने इस काम को किया। जेपी नड्डा के ये आरोप महज चुनावी हैं या फिर उनमें कुछ सच्चाई भी है, ये तो इसकी तह में जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि सामने जब जनता होती है तो अपने विपक्षी पार्टियों को नीचा दिखाने के लिए घोटालों के आरोपों से बड़ा हथियार क्या हो सकता है? वो भी तब जब भूपेश बघेल जैसा नेता, एक राज्य का सीएम, महादेव ऐप घोटाले के आरोपों की आंच में जल रहा हो। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।